प्यारे देशवासी, सारे देशवासी, आप हमेशा मेरा प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग स्वीकार करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं घर पर हूँ, सारी दुनिया के जितने भी बवाल हैं, सोचना वोचना, सबसे दूर घर में घरेलू किस्म से हूँ, बच्चों के पास हूँ, ये मेरे बराबर में हमारी पौत्री, हमारी पोती रिद्धिमा आनंद, मेरी चुटकू बोलता हूँ प्यार से, इसके साथ बैठा हुआ हूँ। हमारी से अर्थ है मेरी और मेरी पत्नी राज दुलारी की लाडली पोती, और हमारे वंश का अंश, यह सबका मूड बनाती है, सब इससे खुश रहते हैं। ये अपने में एक अनूठा तोहफा है हम लोगों के लिए। इसकी सोच अभी से बहुत बहुत अभी से अलग है, फिर सोचती है, फिर उसको क्रियान्वित करती है। मैंने देखा है पूरे साल इसकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, और जब वो ऑनलाइन होता है तो मैं इससे पूछता हूँ, बेटे ऑनलाइन, बोले दादू मैंने तो कर भी लिया। बहुत टेक्निकल खेल है इसके पास, टेक्निकल के साथ साथ ये कला में भी निपुण है, म्यूजिकल फ्रेज अपने आप बना लेती है। म्यूजिकल फ्रेज जैसे हमने एक गीत में बनाया था, लुई शबाशा उई, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये म्यूजिकल फ्रेज है, ऐसे ही ये अभी से बना लेगी। कला का जहाँ तक ताल्लुक है, चित्रकारी में किसी में, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोग इसको आशीर्वाद दें, आपकी दुआओं की इसे सख्त ज़रूरत है, तभी तो ये आगे बढ़ेगी। नृत्य में अपने आप स्टेप बना लेती है, मुद्राएं बना लेती है, रिदिम का इसको अभी से, इसका नाम है रिद्धिमा आनंद, रिद्धिमा आनंद नहीं, रिदिम तो रिद्धिमा पैदा कर देती है, रिद्धि सिद्धि आपने सुना होगा, तो वो रिद्धिमा आनंद है। मेरी बड़ी बेटी शैली आनंद ने इसका ये नाम रखा, उसको ऐसे शौक बहुत है, नए नए काम करती रहती है, टेक्निक भी उसको बहुत आती है, और इसको सिखाती रहती है और ये सीखती रहती है। ऑनलाइन करना, बच्चे परेशान हो जाते हैं, बड़े बड़े नहीं कर पाते, ये अपने आप कर लेती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आज घर में बैठा हूँ, कल बाहर से आया, आज घर में हूँ, कल फिर लाद चलेगा बंजारा, और फिर वही अंग्रेजी का भी सफ़र और उर्दू का भी सफ़र, हिंदी की यात्रा हम करते चले जाएंगे। ट्रेवल नहीं कहता मैं अंग्रेजी का, सफ़र जो अंग्रेजी का शब्द है, दुखी करने वाली चीज़, लेकिन आदत बन गई है हमारी, और अब बाहर भी नहीं जाएं तो फिर घर में घुटन लगती है। घुटन को दूर करने के लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, फिर बाहर जब घुटन होने लगती है तो घर पे आना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मिला जुला के जीवन चल रहा है। आपके आशीर्वाद का, आपकी दुआओं का, मेरे और मेरे परिवार को हमेशा इंतज़ार रहता है और रहेगा, और आपने दिया है, इतना दिया है कि मेरे इस आंचल में वो समा नहीं पा रहा है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है,
मैंने हाँ मैं प्यार को कोई परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन मैं करता रहा हूँ और करता रहूँगा। तो ये जो प्यार है ना, आगे भी आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिला तो मैं अपने गीतों के माध्यम से आपको प्यार की नई नई परिभाषाएँ देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।